गुड इवनिंग। आज आपका बायोलॉजी का जो क्लास टेस्ट हुआ था तो उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये चैप्टर जेनेटिक्स से है, इसमें मोस्टली लोगों ने काफ़ी मिस्टेक की है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है। जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि मेंडल एक्सपेरिमेंट ने कैसे शो किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसमें जो आपको राइट करना था कि इन्होंने यूज किया प्लांट की हाइट, टॉल प्लांट एंड डॉर प्लांट। टॉल प्लांट को क्या बोलते हैं, कैप्टर टी एंड डॉर प्लांट को स्मॉल टी। यहाँ पर जो ऑप्टेन होता है कैप्टर टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में, तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना था, वन ऑफ द करेक्टर एपियर इट इज कॉल्ड डोमिनेंस एंड अदर करेक्टर आर नॉट एपियर इट इज कॉल्ड रिसेसिव। स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, टॉल प्लांट एंड डॉर प्लांट। टॉल प्लांट मीन्स कैप्टर टी एंड डॉर प्लांट मीन्स स्मॉल टी। ऑफ टेन कैप्टर टी स्मॉल टी इन F1 जनरेशन, वन ऑफ द करेक्टर इज एपियर इट इज कॉल्ड डोमिनेंस एंड अदर करेक्टर आर नॉट एपियर इट इज कॉल्ड रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या फिर सिर्फ आपको राइट करना था कि इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस टाइप के करेक्टरिस्टिक यूज किए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने यूज किया प्लांट की हाइट, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने यूज किया सीड का शेप एंड सीड का कलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। मीनिंग मिस्टेक मत कीजिए, मीनिंग मिस्टेक भी कुछ आप लोगों की है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता, करेक्टर दीज आर नॉट अपीयर F1 जनरेशन बट दीज करेक्टर आर रिकवर्ड इनटू F2 जनरेशन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीनोटाइप का रेशियो आएगा 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1। फिनोटाइप की जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है P से स्टार्ट होती है, ये कुछ बच्चों की मीनिंग में मिस्टेक है, तो ध्यान रखिए फिनोटाइप PHENOTYPE फिनोटाइप रेशियो। नेक्स्ट इसमें पूछा गया डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। तो जो इसमें पूछा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड ऑब्टेन हाइब्रिड, वन ऑफ द करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:1। और नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया वहां पे कि डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड वर्कआउट दीज क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस का मीन्स क्या होता, द क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी एंड रिसेसिव एलील मीन्स स्मॉल टी इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसका वर्कआउट आप बना दीजिए, एक साइड क्या लिखेंगे, साइड में कैपिटल टी, नीचे क्या लिखेंगे स्मॉल टी, बॉक्स के ऊपर क्या लिखेंगे स्मॉल टी, उसके जस्ट बगल में स्मॉल टी, और फिर इसका इंटू करवा दीजिए तो इसका जो रेशियो आएगा 1:1 आ जाएगा, या बोल सकते 2:2। और इसके बाद जो दिया गया लास्ट वर्कआउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसमें इन्होंने क्या किया, कैप्टा आर ओके, इसके बाद स्मॉल वाई दूसरे साइड क्या लिखें, स्मॉल आर कैप्टा वाई ठीक है, स्मॉल आर कैप्टा वाई। तो यहां पे F1 जनरेशन जो आएगा कैप्टा आर स्मॉल आर कैप्टा वाई स्मॉल वाई, और इसके बाद इसका इंटू करवा देंगे, पहले कैप्टा आर का इंटू करेंगे दोनों में, मतलब कैप्टा आर कैप्टा वाई एक जीन हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैप्टा आर स्मॉल वाई इस सेकंड जीन हो गया, थर्ड में स्मॉल आर कैप्टा वाई, फोर्थ में स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इन्हीं जीन को आप साइड में ऊपर लिख देंगे, तो इनका जो जीनोटाइप रेशियो है वो आपका काफ़ी लॉन्ग आएगा, हमें एक एक जीन आइडेंटिफाई करना, और फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:1। तो हर क्वेश्चन को तो कायदे से स्टडी करो,
समझो और उसकी मीनिंग मिस्टेक मत कीजिए। ओके, तो ये आज का जो क्वेश्चन जो डिस्कस हुए थे क्लास में, जो एग्जाम में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, उसी का सॉल्यूशन में डिस्कस किया गया। जो भी मिस्टेक है उसको सुधारिए और आगे से मिस्टेक ना हो, बेटर रहेगा। और जहाँ डाउट है कमेंट्स में, आप कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हैं डाउट है, तो उसका डाउट भी आपका दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।